पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में जहरीली शराब कांड के वजह से जो तांडव मचा है, बिहार के छपरा, सिवान, गोपालगंज के एरिया में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार जहरीली शराब कांड की वजह से बिहार की जनता परेशान हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार जहरीली शराब कांड का तांडव कब तक मचता रहेगा, कब तक एक बेगुनाह बिहारी मरता रहेगा। प्रशांत किशोर से लेकर के जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी कई लोग ऐसा हैं जो ये बात खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जहरीली शराब को क्यों नहीं रोका जा सकता है, इसके नेक्सस को क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है। अब इन एक बार फिर से जहरीली शराब कांड की तांडव की वजह से ऐसा लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है, उनकी पार्टी की सरकार बनती है, बिहार में शराबबंदी को लेकर समीक्षा करेंगे और कई तरह की चर्चा वो लगातार करते हुए दिखते हैं। इन सब के बीच में चिराग पासवान ने भी जहरीले शराब कांड की वजह से जो तांडव मचा है उस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। दिल्ली से जब वो पटना पहुंचे तो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने अपनी राय दी। इसके साथ ही साथ पूर्व में जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनको अब जहरीली शराब कांड की वजह से जो तांडव बिहार में मचा है उस पर उन्होंने भी माना है कि बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन इसकी समीक्षा की जाएगी। जो लोग भी इस काम में जहरीली शराब का या तो वो बना रहे हैं या लोगों को पिला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी, समीक्षाएं की जा रही हैं। यानी कि ललन सिंह भी मान चुके हैं कि जहरीली शराब की वजह से लगातार बिहार में तांडव मच रहा है और परिस्थितियाँ लगातार गड़बड़ा रही हैं। कई बार पत्रकारों के सवाल पर वो भड़क भी जाते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जहरीली शराब कांड की वजह से जो तांडव बिहार में मचा है इसको लेकर के समीक्षाएं की जाएंगी, चर्चाएं होंगी। आइए सुनाते हैं जब ललन सिंह से इस तमाम प्रकरण पर सवाल किया गया है तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उद्घाटन करके वो चले गए, उनको और भी किसी कार्यक्रम में जाना था और बाकी अभी चलेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं और उसको ट्रेन कर रहे हैं। पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है कई दूसरे कामों में रहता था, अभी हम लोग उसको फिशरी के सेक्टर में, मछली उत्पादन के क्षेत्र में लगा रहे हैं ताकि फ्रेश जो फिशिंग होता है समुद्र से वो रेस्टोरेंट में पहुँचे, मछली के खाने का इंतजाम उसके ड्रोन के माध्यम से हो, आपदा की स्थिति में समुद्र में जब लोग मछुआरे फंस जाते हैं तो ड्रोन जो है वो सूचित करे, ये सारी टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और ये मछली उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत ही मील का पत्थर आगे आने वाले समय में साबित होगा। सर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को ईडी ने गिरफ्तार किया, वो अपना काम है, जिसका कानून है इसको किस तरह से देखना, कानून अलग अलग विभाग है, जो विभाग है जिसके खिलाफ जो जैसा करनी वैसा भरनी। छोड़िए ना, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अगर हाथ में घाव हो जाएगा तो घाव हाथ काट दीजिएगा क्या? अरे शराबबंदी एक नीति है और उस नीति से आप सर्वे करके देख लीजिए बिहार में कितने ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज खुश हैं, दुर्घटनाओं में कमी आई, लोग आज सड़क पर सुरक्षित महसूस करते हैं शराबबंदी के बाद से। अब उसमें कोई कहीं गड़बड़ी करता है तो वो पकड़ा भी जाता है और कार्रवाई भी होती है, लेकिन तेजस्वी जी को तो कुछ समझ में आता नहीं है। जब हम लोग के साथ थे तो क्या बोल रहे थे, शराबबंदी बड़ा बढ़िया है, अभी एक एक मिनट में उनको शराबबंदी खराब नजर आ रहा है। अरे ये जब अभी हम लोग के साथ थे तो क्या बोल रहे थे, हम लोग के जब साथ थे कुछ दिन पहले तक तो क्या बोल रहे थे, अब अभी क्या बोल रहे थे। इसलिए छोड़ दीजिए, ये सब राजनीतिक कारणों से अपना बोलते रहते हैं, वो बोलते रहे, कानून अपना काम करेगा, सरकार अपनी काम करेगी। कांग्रेस के नेता पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।